वेलकम टू जी ज़ियाकस किचन व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही छोटी सी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इसको अफ्तार में बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तीन यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए एग लिए, इनको मैं मैश कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और ये एग से ही बनने वाली रेसिपी है। यानी कि आज मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ वो है एग सैंडविच। बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर और मेयोनेज और सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छी तरीके से मैं इसको मैश कर रही हूँ। यकीन जाने आप बनाएंगे इतनी झटपट बन जाएगी, बल्कि अचानक से कोई मेहमान भी आ जाए तब भी आप लोग ये सैंडविच बना सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अफ्तार में भी दे सकते हैं, और ख़ुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। ये मैश हो चुकी हैं, हमारे जो एग्स थे वो बॉयल कर ली थे। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया फ्रेशली, आप लोग इसको क्रश करके ब्लैक पेपर को हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे मेयोनेज, होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 5 टेबल स्पून के बराबर आप लोगों ने मेयोनेज इस्तेमाल करनी है। इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे ताकि इसमें ब्लैक पेपर और मेयोनेज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा प्यारा सा बैटर तैयार हो जाएगा। फिर इसकी हम लोग करेंगे इसको स्प्रेड करेंगे उसके ऊपर, स्लाइस के ऊपर, ब्रेड स्लाइस पे। ब्रेड के एजेस काट लीजिएगा, और इसके ऊपर आपने एक तरफ लगानी है केचप। केचप को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो फिर केचप को आप स्किप कर दें, सिर्फ मेयोनेज लगा दें, और दूसरे स्लाइस पे लगाएंगे मेयोनेज। इसके ऊपर चाहे तो आप लोग एडिशन कर सकते हैं सैलड लीफ का। तो मैं फिलहाल इसको झटपट बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी बनने वाली है। ये जो हम लोगों ने मिक्सर तैयार किया था मेयोनेज और एग वाला, वो इसके ऊपर मैं लगा के इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। आपने नोट किया, सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, और दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर टर्न करके इसको कट करेंगे और मज़ेदार किस्म के आप लोगों के एग सैंडविच तैयार है। और मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।